14 जुलाई 2022 से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है वही सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ रहा है हमने तय किया है कि हम सावन के हर सोमवार को फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध शिव मंदिरों के दर्शन कराएंगे। हमारा पहला पड़ाव है का रामेश्वरम नाथ मंदिर गंगा किनारे बसा फर्रुखाबाद एक ऐतिहासिक प्राचीन नगर है जो कभी अपने भव्य शिवालयों के लिए जाना जाता था मान्यता है कि यहाँ काशी के बाद सर्वाधिक शिवालय थे आज भी है इसीलिए फर्रुखाबाद को अपरा काशी या छोटी काशी का दर्जा दिया गया था जनश्रुतियों के अनुसार इस शहर का जुड़ाव द्वापर और त्रेता युग से है आज सावन के पहले सोमवार हम कंपिल के रामेश्वर नाथ मंदिर की महिमा का जिक्र करेंगे मंदिर में स्थापित शिवलिंग के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि यह वह त्रयंबक नामक शिवलिंग है जिसकी पूजा कर कुबेर धनाधीश हुए बाद में रावण कुबेर को जीतकर इस शिवलिंग को पुष्पक विमान के साथ लंका ले गया और चंडीश्वर के नाम से इसकी पूजा कर त्रिलोक विजेता बना लंका प्रवास के दौरान सीता जी अशोक वन में इस शिवलिंग की पूजा किया करती थी लंका विजय के बाद भगवान राम इसे अयोध्या ले आए थे उन्होंने अपने अनुज शत्रुघ्न को मथुरा में लवनासुर का वध करने जाते समय इस शिवलिंग को पवित्र स्थल पर स्थापित करने को कहा था शत्रुघ्न ने गंगा तट कंपिल में इस शिवलिंग को स्थापित किया इस कारण इसे रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग के बाद दूसरे स्थान पर परिंग की मान्यता मिली आज सावन के सोमवार को कम्पिल ओम नमः शिवाय के उद्घोषों व घंटे घड़ियाल के के स्वर से गूंज रहा होगा के शिव भक्तों के लिए सावन मास में शिव भक्ति का महत्व काशी से कम नहीं होता गंगा किनारे एक महीने तक कांवर मेला चलता है और कांवरी भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा से गंगा जल रामेश्वर नाथ मंदिर में चढ़ाते हैं पौराणिक नगर फर्रुखाबाद की पहचान ही शिव मंदिरों से है लगभग 200 शिव मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं इनका जीर्णोद्धार कराया जाना समय की मांग है कंपल की पुरातन और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें सब्सक्राइब कर दे व साथ में लगी घंटी अवश्य दबाएं